अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन जासकियानी और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव स्पोर्ट टीवी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोएस्ट टीम टोटल इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में टॉप 10 टीम्स के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इंफॉर्मेटिव स्पोर्ट टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलें दोस्तों टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 10 पर आती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 25 जनवरी 2004 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 23.2 ओवर्स में 54 रन स्कोर किए। दोस्तों नंबर 9 पर आती है इंडिया की टीम। इंडिया की टीम ने 29 अक्टूबर 2000 में श्रीलंका के खिलाफ 26.3 ओवर्स में 54 रन स्कोर किए। नंबर 8 पर आती है नामीबिया की टीम। नामीबिया की टीम ने 27 फरवरी 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 ओवर्स में 45 रन स्कोर किए। नंबर 7 पर आती है कनाडा की टीम। कनाडा की टीम ने 13 जून 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ 40.3 ओवर्स में 45 रन स्कोर किए। नंबर 6 पर आती है जिम्बाब्वे की टीम। जिम्बाब्वे की टीम ने 3 नवंबर 2009 में बांग्लादेश के खिलाफ 24.5 ओवर्स में 44 रन स्कोर किए। नंबर 5 पर आती है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम ने 25 फरवरी 1993 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 19.5 ओवर्स में 43 रन स्कोर किए। नंबर 4 पर आती है श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम ने 11 जनवरी 2012 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20.1 ओवर्स में 43 रन स्कोर किए। नंबर 3 पर आती है जिम्बाब्वे की टीम। जिम्बाब्वे की टीम ने 8 दिसंबर 2001 में श्रीलंका के खिलाफ 15.4 ओवर्स में 38 रन स्कोर किए। दोस्तों नंबर 2 पर आती है कनाडा की टीम। कनाडा की टीम ने 19 फरवरी 2003 में श्रीलंका के खिलाफ 18.4 ओवर्स में 36 रन स्कोर किए। और नंबर 1 पर आती है जिम्बाब्वे की टीम। जिम्बाब्वे की टीम ने 25 अप्रैल 2004 में श्रीलंका के खिलाफ 18 ओवर्स में 35 रन स्कोर किए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको ओडीआई क्रिकेट में लोएस्ट टीम टोटल बनाने वाली टॉप 10 टीम्स के बारे में बताया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल इंफॉर्मेटिव स्पोर्ट टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।